बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास सिक्स मैथ न्यू बुक, और इसमें सब डोमेन नंबर वन या जिसे आप चैप्टर नंबर वन भी कहते हैं, आज हमारा टॉपिक है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड करते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ टू आर मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय all the given numbers। अब इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM जिसे हम least common multiple भी कहते हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू आर मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। मैंने पहले लिखा है एलसीएम ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर या मोर नंबर इज अ नंबर विच इज अ नंबर यानी कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। तो दूसरा हमने लिखा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू आर मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, जो नंबर हमें दिए होंगे उसमें से जो मल्टीपल लिखेंगे कॉमन मल्टीपल में से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो एलसीएम होगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल 8 and 12, अब ये दो नंबर हैं, इसको हम कहते हैं गिवन नंबर। एक तो बात ये क्लियर हो गई, गिवन नंबर। अब हम इसके स्टूडेंट मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 1 8, 8 2 16, 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। अब मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लेता हूँ स्टूडेंट में, 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। अब ये स्टूडेंट मैंने मल्टीपल लिख लिए। अब मैंने एक बात ये बताई कि इसमें से हम कॉमन मल्टीपल लिख कौन कौन से फाइंड करते हैं। देखता हूँ कॉमन मल्टीपल्स आर कॉमन मल्टीपल्स। अब हम देखें कॉमन मल्टीपल्स हैं कौन कौन से इसमें, ये देखें, ये 24 और ये 24, फिर देखते हैं ये 48 और ये 48, फिर स्टूडेंट देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है, 72 और ये 72। अब ये मैं लिखा कॉमन मल्टीपल्स 24, 48
72। अब इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे हमने लिखा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, ये टू नंबर थे हमारे पास, इज द स्मॉलेस्ट, वो छोटे से छोटा होता है, ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल। ये देखें, ये कॉमन मल्टीपल में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ये 24 है, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। और दूसरी बात, पहले मैंने बताया था एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स। अब ये जो 24 है ये डिविजिबल बाई है, 24 इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर, ऑल द गिवन नंबर्स। अब स्टूडेंट ऑल द गिवन नंबर इसमें क्या थे, 8 थे और हमारे पास 12 था। अब ये 24 जो है, 24 डिवाइड 8, देखिए डिवाइड हो गया, 24 डिवाइड 12 ये 2 आ गया आंसर। तो ये दोनों ही डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन हो गई इस एग्जांपल से, कि ये डिविजिबल भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है और कॉमन मल्टीपल भी है। स्टूडेंट ये एलसीएम की डेफिनेशन थी और एक्सप्लेनेशन भी थी। दोनों जो मैंने डेफिनेशन लिखी हैं उसको एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए और कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।